हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गोभी का कुरकुरा। यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसा कि सामग्री है, जो भी यूज़ में आएगा वो सब। तो आप इसको चाय के साथ भी ले सकते हैं या नाश्ता में भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले गोभी को मैंने वॉश कर लिया है, वॉश करके कद्दूकस कर लिया है अच्छे से। और उसके बाद उसमें लहसुन का पेस्ट डालेंगे, दो हरी मिर्च बारीक कटा हुआ, एक मध्यम साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ, धनिया पत्ता, और एक छोटा सा बाउल में बेसन है, बेसन को डालेंगे। चावल का आटा 4 से 5 चम्मच, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, और स्वाद अनुसार नमक। और इसको अच्छे से मिला लेंगे। हल्का हल्का पानी डाल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ज़्यादा गीला नहीं करेंगे, नहीं तो फिर इसको तलने में दिक्कत हो जाएगा, फैल जाएगा, इसलिए ज़्यादा गीला नहीं करेंगे। थोड़ा करा टाइप ही रहेगा तो उसको तलने में सही रहेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। कढ़ाई में सरसों तेल या आप रिफाइंड भी डाल सकते हैं, और इसको गोल करके इसमें डाल दे रहे हैं। और ये देखिए हमारा इसका इसमें कलर आ गया है, लाल हो गया है ये। और ये हमारा तैयार है गोभी का कुरकुरा।